USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। तो फ्रेंड्स, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है और इसके क्या फिक्स हो सकते हैं या फिर हमारी डिवाइस जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ कॉमन फिक्स यहाँ पे करके देखेंगे, नॉर्मल जो फिक्स करके देखेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको जो इस पोर्ट USB पोर्ट में आपने डिवाइस लगाई है, आपको एक बार दूसरे पोर्ट में लगा करके देख लेना है, और या फिर सिस्टम को आप नॉर्मली यहाँ से जा करके एक बार उसको रीस्टार्ट यहाँ पे कर दीजिए। तो ये तो एक नॉर्मल स्टेप है, यहाँ पे अगर इससे आपका काम चल जाता है तो ठीक है। अदरवाइज फ्रेंड्स, हम जरा सॉफ्टवेयर लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम फिक्स करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे जाना होगा। तो इस टाइप पे हम यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आ गए हैं, और सबसे नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो USB के ड्राइवर यहाँ पे शो करता है, आप देख रहे हैं जैसे कि, और यहाँ पर एक येलो पैच यहाँ मिल रहा है जिसपे अननोन USB डिवाइस डिस्क्रिप्टर रिक्वेस्ट फील्ड आ रही है, यानी कि वो उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि वो कौन सी डिवाइस है। तो एक बार आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और इसको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर कर दीजिए, और आपका इंटरनेट यहाँ पे जो है ऑन होना चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स देखिए क्या दिखा रहा है, द बेस्ट ड्राइवर फॉर द USB डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो अगर इसका ड्राइवर यहाँ पे इसमें नहीं होता तो ये उसको यहाँ अपडेट कर लेता। तो नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको यहाँ पे एक बार राइट क्लिक कर देते हैं और अनइंस्टॉल डिवाइस पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अनइंस्टॉल हो गया है। एक्शन पे जाकर के स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज अगेन यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर इसका ड्राइवर जो है अगर करप्टेड होगा तो उसकी जगह पे इसके अंदर जो ओके वाला ड्राइवर वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, लेकिन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे शो कर रहा है अननोन USB डिवाइस डिस्क्रिप्टर रिक्वेस्ट फील्ड। तो अब फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि आपकी जो USB डिवाइस है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मेरे पे लिनोवो का एक माउस है, तो मैं यहाँ पे लिनोवो माउस ड्राइवर फॉर विंडोज 10 यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है। आपके पास कोई भी USB डिवाइस हो सकती है, आप उसके ड्राइवर यहाँ पे सर्च यहाँ पे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको क्या करना, उस डिवाइस के जो ड्राइवर है उसको मैनुअली डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना है। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका यहाँ पे जो है कम्प्लीट अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फ्रेंड्स एक बार अपने सिस्टम की विंडोज अपडेट करना होगा। तब सेटिंग में जाकर के वहां को विंडोज को आपको अपडेट यहां पे एक बार कर लेना है, और अपडेट करने के बाद यहां पे आपको एक बार यहां से रीस्टार्ट कर देना है। तो मोस्टली प्रॉब्लम इससे भी यहां पे सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक सेटिंग है, उसके लिए फ्रेंड्स यहां पे आपको टाइप करना होगा पावर ऑप्शन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि पावर एंड प्लान स्लीप सेटिंग आ रहा है, यहाँ पे एडिशनल पावर सेटिंग में चले जाइए और चेंज प्लान सेटिंग में क्लिक कर देते हैं हम, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा चेंज एडवांस पावर सेटिंग। तो यहाँ पर एक USB सेटिंग होता है, तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें इनेबल होती हैं, इसको आप एक बार डिसेबल्ड कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि USB जो होता है उसको ऑटोमेटिकली इसकी पावर जो है ऑफ नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये जो है ये थी हमारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स, कुछ फिक्स। अगर इनसे आपकी USB डिवाइस काम करने लगी तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम कुछ हार्डवेयर लेवल पे अपने कुछ स्टेप परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि या तो फिर हमारी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो या फिर हमारा जो कंप्यूटर का USB है ये प्रॉब्लम कर रहा हो। तो उसके लिए सीधे सिंपल है, आप अपने इस USB डिवाइस को किसी दूसरे सिस्टम में लगा के एक बार देख लीजिए। तो अगर ये चल जाती तो इसका मतलब है कि आपका जो लैपटॉप का USB पोर्ट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे आ चुकी है, तो आपको अपने हार्डवेयर लेवल पे कुछ अपना सिस्टम में सही करवाना पड़ेगा। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे डिवाइस से रिलेटेड कुछ फिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आपको ये जो जैसे कि मान लीजिए माउस है, माउस की वायर है यहाँ से लेकर के पूरी, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कभी भी यहाँ से मुड़ती रहती है, तो मुड़ने से क्या होता है यहाँ पे जो चार वायर होते हैं उनमें से एक दो वायर जो होती है प्रॉब्लम कर जाती है। तो उसमें ये हो सकता है कि आप यहाँ से इसको काट करके या दूसरा कनेक्टर लगा के देख सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स इसको ओपन करके मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने माउस हमने ओपन कर लिया है, तो आप एक बार इसकी जो है वायर भी अगर चेंज करके देख सकते हैं, और अगर वायर चेंज करने पर भी ये नहीं हो रहा तो इसमें जो IC लगी है ये जो है फॉल्टी हो गई है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं कर रहा। तो आपकी डिवाइस इस केस में आपकी डिवाइस जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो जो पेन ड्राइव है इसमें भी यहाँ पे चार कनेक्टर होते हैं, तो इसमें तो नॉर्मल एक चिप लगी हुई है, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जिनमें कि थोड़ी पहले की जो पेन ड्राइव आती थी उनमें चार वायर होती थी, तो उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज फिर डायरेक्टली इसकी जो चिप है वो फॉल्टी हो गई है, ये पेन ड्राइव पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ फिक्स जिनसे कि आप अपनी USB डोंट रिकॉग्नाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल पर फ्रेंड्स और भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो हैं आप वो चेक कर सकते हैं।